युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को इंदौर कलेक्ट्रेट दफ्तर पर जंगी विरोध प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की मांग और बेरोजगारी के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करने के लिए पहुंचे। इस दौरान विरोध कर रहे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके चलते पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। दरअसल हरिसिद्धि मंदिर पर एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर दफ्तर तक पैदल मोर्चा किया। वहीं बैरिकेड लांग कर कलेक्टर दफ्तर तक जाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। वहीं उन्हें यहां से धकेड़ा भी गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झूमा झटकी भी हो गई। वहीं पुलिस ने लाठियां फटकार कर कार्यकर्ताओं को भगाया। इससे भड़के युवा कांग्रेसियों ने अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया। SDM के सामने कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि हफ्ते में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो और भी बड़ा उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कुंभकर्ण की नींद में सोई शिवराज सरकार है, जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जिस प्रकार से युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है। 2 साल से छात्रवृत्ति कॉलेजों की रुकी हुई है, छात्रों को पढ़ने में बाधा आ रही है। छात्रवृत्ति ना मिलने से छात्र एग्ज़ाम देने से वंचित हो रहे हैं, अपना साल खराब कर रहे हैं। जो गरीब छात्र हैं, SC ST के छात्र हैं, OBC के छात्र हैं, ये मामा की सरकार SC ST और OBC के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि भाई टांटिया भील चौराहा बना दिया गया और कहीं भी लुभावने लालच दे रही है, लेकिन जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो उनको मूलभूत व्यवस्थाएँ मिलना चाहिए, जैसे कि छात्रवृत्ति, वो नहीं मिल पा रही है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, छात्र रोज़गार से वंचित है। आए दिन आत्महत्या के केस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज हमने इन्हीं मांगों को लेकर के, जो 2 साल से छात्रवृत्ति रुकी हुई है उसको लेकर के, जो जिला रोजगार का जो कार्यालय है वहाँ से जिस प्रकार से इतने छात्रों में जो 2-3 छात्रों को रोजगार मिल पा रहा है, इसी की मांग को लेकर के आज युवक कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर आंदोलन किया, घेराव किया था और मांग की है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर जितने भी छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप उनको दी जाए। अगर मांगे नहीं मानी तो युवा कांग्रेस 7 दिन बाद पुनः उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, स्कॉलरशिप को लेकर युवा कांग्रेस का आह्वान है कि इस निरंकुश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कलेक्टर कार्यालय का घेराव करके हो। भाई, हम समझ रहे हैं कि इस आंदोलन से सरकार की सेहत पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से शहर की जनता को, प्रदेश की जनता को बताने चाहते हैं कि जैसे SC ST वाले, OBC वाले, सामान्य वर्ग के वो छात्र जिनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, जिस स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चे पढ़ के अपना जीवन बना रहे, अपना भविष्य बना रहे, ये तो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 3-3 साल हो गए स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हो, और स्कॉलरशिप जहाँ से बढ़ती है अगर आप देखोगे उसको, उसमें अगर उसकी डेप्थ में जाओगे तो इतना भ्रष्टाचार है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अंडसंड भ्रष्टाचार है। तो इसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस को आंदोलन है ताकि ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार जागे और जो छात्रों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, जो उस दायरे में आते हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द स्कॉलरशिप मिले ताकि छात्र अपनी पढ़ाई कर सके, अपने भविष्य बना सके, ताकि मजबूत इंदौर और मजबूत मध्य प्रदेश की नींव रखी जा सके, बच्चों का भविष्य मजबूत हो।